कनाडा बेस्ट है क्योंकि कनाडा के अंदर सिटीजनशिप एंड पीआर की गारंटी है। बट जॉब का क्या, मोस्टली लोगों को कनाडा के अंदर जॉब ही नहीं मिलती जिसमें उन्होंने एजुकेशन ली है या जिसमें उनका प्रायर एक्सपीरियंस है। इसलिए कहता हूँ हबीबी दुबई, तो आप मुझसे बोलोगे यार दुनिया का तो ड्रीम है कनाडा जाना, आप दुबई को बेस्ट क्यों कह रहे हो? इसका मतलब जब आप स्टडी के लिए MBA इंजीनियर या IT में कुछ करते हैं कनाडा से तो आपको जॉब हार्डली मिलती है। दूसरी बात यह है कि काफ़ी लोग कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री PNP प्रोग्राम से कनाडा जाते हैं, PR लेते हैं, बट उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है कनाडा का और ना कनाडा की एजुकेशन, जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। समझ रहे हो आप? अब अगर मैं दुबई की बात करूं, इंडियन पाकिस्तानी प्रोफेशनल नेशनलिटी को रिकमेंड किया जाता है हाईली स्किल जॉब्स के लिए, नो मैटर उनकी एजुकेशन इंडिया से है या पाकिस्तान से है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, वर्ल्ड डेटा के अकॉर्डिंग दुबई का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% है और कनाडा का 5.4%। दुबई का इन्फ्लेशन रेट 4.83 है एंड कनाडा का 6.80। दुबई में कोई इनकम टैक्स नहीं है, वहीं कनाडा में आपको टैक्स देना पड़ेगा आपको सैलरी के अकॉर्डिंग। ये आप डेटा देख सकते हो, ये चार्ट देख सकते हो, भाई ये तो अनजस्टिफाई है ना, कोई कंपैरिजन ही नहीं है दुबई से कनाडा का। मेरे पास 1000 रीजन है जिसमें आपको दुबई आना चाहिए। ए गाड़ी स्टार्ट कर। अब बस इतना समझ लो कि PR एंड सिटीजनशिप का क्या करोगे जब हमारे पास अच्छी जॉब नहीं होगी एंड अच्छा करियर नहीं होगा। आप लोग खुद समझदार हो, आप तो वही करोगे जो आपको सही लगेगा, बट मेरी ये वीडियो सेव कर लेना जब भी आप कंफ्यूज हो दुबई एंड कनाडा में।